हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ईशानी राठौर, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी, और हमारा चैप्टर चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर अभी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट कर लिया। स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं वो हमने पढ़ लिया। आज का हमारा टॉपिक है स्पर्म बनते हैं तो क्या प्रोसेस है बनने का, एज वेल एज एक स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है। इन शॉर्ट हमारा टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस। यार देखो, अभी तक तुम्हें इतना समझ आ चुका है जेनेसिस वर्ड का मतलब ही क्या होता है, बनना, कोई चीज बनना, ठीक। और स्पर्मेटो इन शॉर्ट ये किसके लिए बोल रहा है, स्पर्म के लिए, ठीक है। बेटा लॉजिकली देखा जाए तो स्पर्म एंड ओवा आर गैमेट्स, तो अगर आप अलग अलग नाम बोलो तो मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं एंड फीमेल के अंदर हम एक टर्म यूज करते हैं ऊजेनेसिस, ठीक है। ऊ वर्ड का मतलब ओवम, जेनेसिस वर्ड का मतलब बनना। पर अगर मुझे कंबाइंड में कॉमन वर्ड यूज करना हो, दैट इज गैमेटोजेनेसिस, जिसमें गैमेटो वर्ड जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, गैमेट को, और जेनेसिस वर्ड अगेन किसको रिप्रेजेंट करता है, बनने को, ठीक है। आई होप ये तीनों टर्म्स बिल्कुल क्लियर हैं। अब हम चलते हैं, पहले हम पूरा समझेंगे फिर हम ये एनसीईआरटी देखेंगे। आ जाओ, पहली चीज तुम याद करोगे कि तुमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, जैसे ये एक लोब्यूल है, लोब्यूल में ऐसे हाईली कॉइल्ड एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, याद करो। ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर क्या था, सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल, ठीक है बेटा। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हमने सेकंड चीज क्या की थी, जूम। आ जाओ भाई, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को क्या कर दो, जूम। तो इमेजिन करो ये मैंने इसको कर दिया सुपर डुपर जूम। ये मैं बार बार तीन गोले क्यों बनाती हूँ, तुम्हें पता है तीन गोले बनने का क्या मतलब है। अपन ऐसे कहते हैं ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टू से थ्री होती हैं, तो मैं तुम्हें ऐसे थ्री क्रॉस सेक्शन दिखा देती हूँ ताकि तुम्हें याद रहे कि एक कंपार्टमेंट में दो से तीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे, ठीक है। बाहर वाली स्पेस को हम क्या बोल रहे थे, इंटरस्टीशियल स्पेस, और ये रही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कुछ ऐसी क्यूब जैसी सेल। अभी मैं ना ऐसे चार बना के छोड़ देती हूँ, लाइक आई होप तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इनफैक्ट छोड़ो ना, ऐसे क्यूब पूरे ही बना लेते हैं, ये लो। फिर इनके बीच बीच में आपको याद है कुछ ऐसी ऊंची ऊंची पहाड़ जैसी सेल्स हैं, लाइक दिस, है ना। ये पहाड़ जैसी सेल्स क्या थी, सर्टोली सेल्स। तो अब मेरा मेन फोकस आने वाला है किस पे, ओनली एंड ओनली पहले मेल जर्म सेल पे। तो इसको मैं मार्क कर देती हूँ एज मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल का ही दूसरा नाम, ध्यान से सुनेंगे क्योंकि अब वर्ड्स का खेल है, यहां पर इसका दूसरा नाम होता है स्पर्म मैटोगोनिया। अब बेटा ध्यान से सुने, स्पर्मेटोगोनिया में सबको मिला के कह सकते हो। इन शॉर्ट अगर मैं बोल रही हूँ मेल जर्म सेल्स तो मैं बोल दूंगी स्पर्मेटोगोनिया। पर अगर मुझे पर्टिकुलरली सिर्फ एक मेल जर्म सेल के बारे में बोला, ओनली सिंगल, तब आप सिंगल के लिए वर्ड यूज करते हो स्पर्मेटोगोनियम। तो बेटा ये दोनों वर्ड्स में कन्फ्यूज ना हो जाना, अगर तुम एक सिंगल मेल जर्म सेल के लिए टर्म यूज कर रहे हो स्पर्मेटोगोनियम, सारी मिला के यूज करो स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। यही क्या करने वाला है, स्पर्म बनाने वाला है। अभी तक तुम यही तो पढ़ रहे हो, मेल जर्म सेल स्पर्म बनाएगा। और दूसरी सेल्स कौन सी हैं आपकी, सर्टोली सेल्स, जो कि क्या प्रोवाइड करने वाली थी, न्यूट्रिशन, नर्स की तरह न्यूट्रिशन देने वाली थी, ठीक। अब तुम स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी ट्रिक याद करोगे, एक ट्रिक है, और उस ट्रिक से तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ट्रिक तुम्हें क्या याद रखनी है, गोनिया साइड साइड, क्या बोलोगे तुम, गोनिया साइड साइड ट्रिडजोआ, क्या याद करना है तुम्हें, दोबारा मेरे साथ तीन बार बोलो, गोनिया साइड साइड ट्रिडजोआ, गोनिया साइड साइड ट्रिडजोआ, पूरा टेबल ही याद हो जाएगा तुम्हें इस इतनी सी ट्रिक से। देखो अब क्या हुआ, शुरुआत आपके हाइपोथैलेमस ने की, मैं कल वाला पार्ट इसी के साथ रिकैप करा रही हूँ। हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया था, GnRH, बोले तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। किस पे जाके एक्ट किया उसने, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या रिलीज किया था, LHNFSH।
एलिच भागा भागा किसके पास गया था, तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए, लेडिक सेल के पास। लेडिक सेल ने बदले में क्या रिलीज किया था? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन की जरूरत है मेल जर्म सेल को ताकि वो स्पर्म बना सके। मीनवाइल FSH जो रिलीज हुआ था उसने किस पे एक्ट किया था? सर्टोली सेल्स पे। और सर्टोली सेल ने क्या रिलीज किया था? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि खींच खींच के टेस्टोस्टेरोन को अंदर लेके आ रहा था। ये पिक्चर क्लियर है तुमको? जैसे ही बेटा टेस्टोस्टेरोन की अवेलेबिलिटी होती है मेल जर्म सेल, जैसे ये एक मेल जर्म सेल है, ये जैसे एक लाइनिंग है, ये अपनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग है और ये रही आपकी मेल जर्म सेल लाइक दिस। तो बेटा ये मेल जर्म सेल जो है ना, ये सोचती है कि अब आगे टेस्टोस्टेरोन में काम करना शुरू करूँ। तो टेस्टोस्टेरोन इससे क्या कहेगा कि भाई शुरू हो जाओ काम करना, लेट स्टार्ट, ओके स्पर्म बनाना। अब ये कहती हैं कि यार एक बार के इजैक्युलेशन में ये बंदा एक बार जरा सा इजैक्युलेशन करेगा उसमें ये कितने स्पर्म निकालेगा? 200 to 300 million स्पर्म निकालने वाला यार ये बंदा। तो यार मतलब ये तो जिंदगी भर की बहुत बड़ी मेहनत है, क्योंकि तुम्हें याद है मेल्स जो है ना, मेल्स के अंदर बेटा स्पर्म बनना शुरू होते हैं प्यूबर्टी से, और प्यूबर्टी से बनते जाते मतलब इनफैक्ट मेल्स के अंदर टिल ओल्ड एज तक स्पर्म बनता है। तो तुम सोचो 250 कंपार्टमेंट इधर, 250 कंपार्टमेंट इधर, एक कंपार्टमेंट में 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल, कितना मेल जर्म सेल है यार। बहुत इतना भी नहीं है क्या जिंदगी भर इस मेल को एक बार के इजैक्युलेशन के लिए 200 to 300 million स्पर्म बनाने? कैन यू जस्ट इमेजिन द नंबर, कितना ज़्यादा बनाना है। तो ये जो सेल है ना, इस सेल का नाम क्या है, या मार्क कर देते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, है ना। ये स्पर्मेटोगोनिया कहती है कि यार सबसे पहले तो मैं मेरा नंबर बढ़ा लेती हूँ, वरना ये स्पर्म बनाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो किसी दिन मैं ही ख़त्म हो जाऊँ, और जिस दिन मैं ख़त्म हो गई ये आदमी ख़त्म है, किसी काम का नहीं है ये, है ना। तो मैं पहले अपना नंबर बढ़ा लेती हूँ। तो मेरे पास दो ऑप्शन, इमेजिन करो मैं स्पर्मेटोगोनिया हूँ, मेरे को दो ऑप्शन मिल रहे सेल डिविजन के, एक माइटोसिस एक मियोसिस। मैं कहूँगी यार मियोसिस तो अभी नहीं, रुको रुको ठहरो, करना है मियोसिस, पर उससे पहले मैं माइटोसिस करके अपना नंबर तो बढ़ा लूँ। तो बेटा सबसे ही पहले ये सेल्स बड़ी समझदार होती हैं, ये क्या करती हैं, कौन सा प्रोसेस करती हैं? माइटोसिस। और तुम्हें पता है माइटोसिस डिवीजन में सिर्फ नंबर बढ़ता है, क्रोमोसोम नहीं बढ़ता। तो बेटा स्पर्मेटोगोनिया अभी तक कितने क्रोमोसोम लेकर बैठी हैं? 46, क्योंकि अभी ये नॉर्मल सेल्स हैं, है ना, इनको आगे स्पर्म बनाना है, अभी बनी नहीं है स्पर्म, तो इनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? 46। ये कहती है माइटोसिस करके पहले नंबर बढ़ा लो यार, जुगाड़ कर लो अपने फ्यूचर का, बंदे को बंदा बनाए रखने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। तो ये माइटोसिस करके धमाधम डिवाइड करती है। तो इमेजिन करो अगर इसने डिवाइड करा तो एक से कितनी बनेंगी? दो। इस एक से भी कितनी बनेंगी? दो। इससे भी कितनी बनेंगी? दो। एंड ऐसे सिमिलरली सारी सेल्स से कितनी बनेंगी? दो, है ना। एंड अभी माइटोसिस चलेगा, एक स्टेप का नहीं है, ये लो जी ये फर्दर डिवाइड करेगी। तो इन शॉर्ट ये अपना नंबर बढ़ा रही है, बट बेटा नंबर बढ़ा रही है, क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं हो रहा अभी तक, ठीक है। तो ऐसे खूब सारी सेल्स बनती जाएंगी। अब सारी सेल्स से तो स्पर्म नहीं बनाना ना, तो इनमें से कुछ सेल डिफरेंशिएट हो जाएंगी, वो कहेंगी मैं तो स्पर्म बनाऊंगी बस, समझ रहे हो। स्पर्मेटोगोनिया पहले अपना नंबर बढ़ाती है, फिर नंबर बढ़ा के खूब सारी सेल्स हो जाती हैं, उनमें से पूछा जाता है एक कौन स्पर्म बनाएगा, वो हाथ रेस कर देती है। तो जो स्पर्म बनाने वाली उसको थोड़ा सा बड़ा होना पड़ेगा, मेच्योर होना पड़ेगा। तो बेटा माइटोसिस करके इनमें से कुछ सेल क्या कर जाएंगी? डिफरेंशिएट। तुम्हें पता है डिफरेंशिएट वर्ड का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी में डिफरेंशिएट वर्ड का मतलब, तुम्हारे दिमाग में बिठा लो, मेच्योर होना, ठीक है। और इनमें से कुछ चुनिंदा सेल मेच्योर होकर, जो जो मेच्योर हो जाएंगी, अब वो कहलाएंगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मैंने तुम्हें क्या बोला था? गोनिया साइट, ठीक है। क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज किया मैंने? नहीं। आई होप पहली पिक्चर क्लियर है। एक बार रिवाइज करें, जरा पानी पी लिया जाए, फिर एक बार रिवाइज करते हैं इसको। क्या पिक्चर है?
सेल कौन है? स्पर्मेटोगोनिया। काम इसने जिंदगी भर करना है, तो सबसे पहले ये अपना नंबर बढ़ाती है। नंबर बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करती है? माइटोसिस। माइटोसिस प्रोसेस से खूब सारी सेल बनाती। फिर पूछा जाता है कौन तुम में से स्पर्म बनाना चाहता है? कुछ सेल्स कहेंगी मैं बनाऊंगी स्पर्म, है ना। जो स्पर्म बनाना चाहती है, बेटा तुम पहले थोड़े बड़े तो हो जाओ, बड़े आए स्पर्म बनाने वाले, पहले बड़े तो हो जाओ। तो ये डिफरेंशिएट कर लेती है। डिफरेंशिएट जो जो सेल कर गई, अब वही सेल कहलाएगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। रिमेनिंग सेल्स को अभी तुम बोलोगे आए तुम बैठो बेटा, बच्चे हो अभी, तुम थोड़े टाइम बाद काम करना, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में मैंने सिर्फ और सिर्फ नंबर बढ़ाया है, क्लियर। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आ गई अखाड़े में, चलो भाई अब स्पर्म बनाएंगे, आ जाओ। तो अब मुझे शुरू करना है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जिसको मैं क्या बोलूंगी, मियोसिस। तुम्हें पता है बेटा मियोसिस कितने स्टेप में डिवाइडेड है? दो, मियोसिस वन, मियोसिस टू। तो पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगी? मियोसिस वन। तो ये लो जी, ये रही आपकी प्यारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये कहेगी चलो भाई चलो 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 मियोसिस शुरू करो। और मियोसिस में भी मैं पहला स्टेप करूंगी मियोसिस वन। मियोसिस वन का मतलब ही होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा करना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा करना के कारण इस डिवीजन को आप बोलते हो रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ तक की पिक्चर क्लियर? तो बेटा अब जो नई सेल बनने वाली है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा लेके बनेगी। तो मैं इमेजिन करूँ मैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हूँ, मैं एंटर करी गेम में। गेम में एंटर करते ही मैंने टिक किया कि मुझे मियोसिस वन करना है। मियोसिस वन करते ही मेरे पास ऐसे करके दो सेल बन गई। तो यहाँ पर ये दो सेल बनी, ये देखो सेल नंबर वन सेल नंबर टू, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेल बन गई, दोनों सेल का नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो गया। तो बेटा ये जो सेल बनी ना, इस सेल को ही हम प्यार से बोलते हैं सेकेंडरी, क्या बोलोगे इसको तुम? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, क्योंकि इससे बनी है ना, प्राइमरी से बनी इसलिए सेकेंडरी नाम रख दिया। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनका कितना होगा? 23। हो गया बेटा रिडक्शनल डिवीजन, क्लियर है। स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ तक ये पिक्चर क्लियर है। गोनिया साइट साइट, तीन हो गया। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहती है अब मुझे क्या करना है? मियोसिस टू। इसको क्या करना है? मियोसिस टू। तो कहती है चलो यार मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, मेरे को तो थक हार के मियोसिस टू ही करना है। चलो ठीक है जी कोई ना, मियोसिस टू कर लेती हूँ, किसी सुंदर कलर से करूँगी पर मैं मियोसिस टू इससे कर लेती हूँ, ठीक। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अब नेक्स्ट डिवीजन करेगी, इससे दो सेल बनेंगे और अगेन इससे दो सेल बनेंगे। और बेटा स्टेप कौन सा होगा? मियोसिस टू। याद करो सेल डिवीजन पढ़ा हुआ हर बच्चा जानता है, मियोसिस टू इज एग्जैक्टली लाइक माइटोसिस, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होता। यानी कि 23 वाली सेल जो नई सेल बनाएगी वो कितने क्रोमोसोम वाली होगी? 23, है ना। तो अब जो सेल बनेगी इसके लिए हम इसको नाम देते हैं इक्वेशनल डिवीजन। याद है ना तुमको इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं हुआ। और अब कितनी सेल बनेंगी? चार सेल, वन टू, दो इससे दो इससे। तो ये जो चार हंसती हुई सेल बनी है ना, गोनिया साइट साइट टिड, तो बेटा इसी को हम बोलते हैं स्पर्मेटिड। ये जो मैं बढ़ा रही हूँ ना तुमको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे, है ना, स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटिड यार ऐसे हंसते हंसते गोले जैसे दिख रहे हैं। तुम कहोगे मैडम स्पर्म में तो हमने हमेशा पूंछ बनाई है, टेल बनाई है, ये क्या मजाक बना दिया आपने, ये तो स्पर्म नहीं है यार, स्पर्म नहीं है एक्चुअली में भी, ये स्पर्म नहीं है। ये भी स्पर्मेटिड बन गए चार, स्पर्म बनना भी बाकी है। तो स्पर्मेटिड को बन कहते हैं बेटा बेटा तुम यार ये क्या ऐसे गोले गोले जैसे दिख रहे हो, थोड़ा पूंछ मूंछ लाओ, थोड़ा कैप बनाओ, थोड़ा स्पर्म जैसे बनो। तो ये कहते हैं ओके होल्ड ऑन, हम लास्ट प्रोसेस कर लेते हैं। ये चारों एक लास्ट प्रोसेस करते हैं जिसमें ये डिफरेंशिएट करते हैं, भैया बड़े होते हैं। और बड़े होकर वही जो जिसको तुम हमेशा ढूंढते हो, यही ना पूंछ वाले स्पर्म ढूंढते हैं ना अपन, तो भाई ये स्पर्मेटिड ही आगे जाके मैच्योर होके ये बना पूंछ वाला स्पर्म। ये लो जी ये चार हंसते गाते पूंछ वाले स्पर्म बन गए। गोनिया साइट साइट टिड, जोआ जोआ आ रहा है।
तो बेटा इनका नाम है स्पर्मेटोजोआ, और इसी को ही प्यार से तुम बोल देते हो स्पर्म। मतलब एक्चुअल नाम स्पर्म का क्या होता है? स्पर्मेटोजोआ। और इस स्टेप में हुआ क्या है, ये डिफरेंशिएट करें, दे हैव डिफरेंशिएटेड, मतलब इन शॉर्ट बेटा इन्होंने ना क्या डेवलप किया, यहाँ पे टेल डेवलप की, इन्होंने हेड कैप डेवलप की, मतलब इन शॉर्ट डिफरेंशिएशन हुआ इसमें। क्लियर है? एक बार छोटा सा रिकैप कर लें तुम्हें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। दोबारा सुनो, कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? अब एक कलर से ही होगा। कहानी की शुरुआत हुई है एक मेल जर्म सेल से, स्पर्मेटोगोनिया से। गोनिया कहती है पहले जरा अपना नंबर तो बढ़ा लूँ। तो ये लो जी, इसने नंबर बढ़ाया 2 से 4 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। अब सारी एक बार में तो स्पर्म नहीं बनाएंगी, तो जो इनमें से मैच्योर होएगी और स्पर्म बनाना चाहेगी, उसी मैच्योर वाली सेल को तुम अब क्या बोलोगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक बनने के सफर में सिर्फ एक डिवीजन हुआ है जिसे आप बोलोगे माइटोसिस। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेगी चलो लेट्स स्टार्ट, अब मैं करती हूँ मियोसिस। पर मियोसिस के कितने स्टेप? 2। तो ये कितना कर पाएगी? 1। तो ये बंदी 1 से 2 सेल बना लेती है, और जो 2 सेल बनाती है वो कौन सा स्टेप होता है? मियोसिस 1। अभी तक नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, इसका भी 46, पर इसका बेटा 23। तुम्हें पता है अगर ऐसा नहीं होता तो क्या मतलब कमाल हो जाता ज़िंदगी का, हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ते ही जाते अगर ये मियोसिस ना होता तो, है? जो 2 नई सेल बनी बेटा, इन्हें आप क्या बोलोगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये कहती है चलो चलो मैं भी मियोसिस कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये मियोसिस कंप्लीट करती है, और अगेन जब बेटा ये मियोसिस कंप्लीट करेगी तो ये भी 2 सेल बनाएगी। जब ये 2 सेल बनाएगी तो आप इसे क्या बोलोगे? गोनिया साइट साइट टिड। तो आप इसको बोलोगे स्पर्मेटिड। कौन सा प्रोसेस हुआ यहाँ पर? मियोसिस 2। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23। पर तुमने कहा यार ये तो स्पर्म नहीं है, हमारे स्पर्म तो पूंछ वाले होते हैं। तो स्पर्मेटिड ने कहा जरा रुको तो सही, मैं थोड़ी जवान तो हो जाऊँ, मैं थोड़ा जवान होकर ही स्पर्म बनूंगा। मैं हेड में कैप लेकर आऊँगा, मैं पीछे टेल लेकर आऊँगा, और अल्टीमेटली मैं क्या बन जाऊँगा? स्पर्म। तो भाई इन्हीं से ही ये 4 फाइनल क्या मिलते हैं तुमको? स्पर्म स्पर्म स्पर्म, ये लो। पर तुम इसे क्या बोलोगे? स्पर्मेटोजोआ। और प्यार से इसको अपन घर का नाम क्या देते हैं? स्पर्म। क्लियर है तुमको ये स्टेप कितना आसान था? अब मैं तुम्हें बताती हूँ कन्फ्यूजन क्या होता है, समझ रहे हो? अभी तक तुम्हें पिक्चर तो समझ आ गई, गोनिया साइड साइड टिडजोआ, गोनिया स्पर्मेटोगोनिया सेट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर साइड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट टिड, स्पर्मेटिड जोआ स्पर्मेटोजोआ। मेरी ट्रिक से याद रखोगे तुम्हें याद रहेगा, अदरवाइज एग्जाम में बड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे। चलो अब एनसीईआरटी देखते हैं। ये डायग्राम कंफ्यूज करता है, देखो प्यूबर्टी से शुरू हुई है कहानी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखो कितने हैं 46, सेल का नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। बेटा ये एक सेल ने डिवाइड कर करके खूब सारी सेल बना ली। बच्चे पता है कंफ्यूज क्या होते हैं कि यार ये 2 ब्लू सेल्स क्या हैं? ये जो तुम्हारे को पूरा ये दिखाया है ना, ये तो मतलब है नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड होके बढ़ गई। इनमें से इमेजिन करो इन तीनों ने कह दिया हम नहीं बना रहे यार स्पर्म, हमारा मूड नहीं है स्पर्म बनाने का, अभी हम बच्चे हैं, अभी हम इंजॉय करना चाहते हैं, हमें नहीं बनाना स्पर्म। तो इनमें से ये कहती है मैं डिफरेंशिएट करूँगी। तो बेटा ये डिफरेंशिएशन दिखाने की कोशिश की एनसीईआरटी ने, तो मेरी बात समझे? बच्चा कन्फ्यूज रहता है कि ये क्या हो गया, ये कैसे 2 अलग नीली सेल आ गई। सो दीज 2 ब्लू बॉल्स ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये दोनों डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। ठीक है, बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से क्या बना? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये लो जी, देखो पहली बार नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना आ गया? 23। आगे देखो सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करके क्या बन गया? स्पर्मेटिड। कितने आए बेटा? 4। तुम कह रहे हो गोला गोला गोला, स्पर्म में तो पूंछ होती है यार। तो स्पर्मेटिक डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, बोले तो जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं।
और क्या बन जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ। लो जी आ गए तुम्हारे स्पर्म, और स्पर्मेटोजोआ को ही प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म। दिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस। आई होप बहुत क्रिस्टल क्लियर है। एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं फटाफट, आ जाओ जल्दी से। देखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है मेल में, ओवरीज है फीमेल में, गैमेट्स बनाती हैं स्पर्म एंड ओवम। तीन अभी कुछ छोटी बात इंपॉर्टेंट पढ़नी बाकी है, सुन लो पहले। गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस कहलाता है। टेस्टिस इमेच्योर मेल जर्म सेल लेके बैठी होती है, और इन इमेच्योर मेल जर्म सेल को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, जो कि स्पर्म बनाती है, प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। शुरुआत प्यूबर्टी से होती है, आसान है, बहुत आसान है। स्पर्मेटोगोनिया, जिसके सिंगल को हम स्पर्मेटोगोनियम सिंगल सेल को बोलते हैं, ये कहाँ है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल में, पता है हमको। क्या करती है, पहले माइटोटिक डिवीजन। क्यों करती है, नंबर बढ़ाने के लिए। क्यों भाई, क्योंकि इस लड़के को जिंदगी भर स्पर्म बनाने यार, और एक बार में 200 से 300 मिलियन निकालें। ठीक, शुरुआत में स्पर्मेटोगोनियम 46 क्रोमोसोम यानी कि डिप्लॉइड सेल होती है। स्पर्मेटोगोनिया से ही कुछ सेल्स बनती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि क्या हुए हैं, जवान, जो ये स्पर्म बनाना चाहती हैं। ये मियोसिस करके क्या बनाती हैं, पहला मियोटिक डिवीजन करके ये बनाती हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि 23 23 यानी कि हैप्लॉइड सेल है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करती है, और चार सेल्स बनाती है स्पर्मेटिड, जिनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, 23 23 23 23। हैप्लॉइड सेल्स है ना भाई। नेक्स्ट आप स्पर्मेटिड कहती हैं, अब मैं पूंछ बनाऊंगी, सिर पे कैप लगाऊंगी, और बन जाऊंगी स्पर्मेटोजोआ, बन जाऊंगा स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म। इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तुम्हें तीन वर्ड बताऊंगी, ध्यान से सुनो। तीन वर्ड इस टॉपिक के जो बड़ा कंफ्यूज करते हैं। पहला वर्ड है स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि तुम पढ़ रहे हो इतनी देर से। सेकेंड वर्ड है बेटा स्पर्मियोजेनेसिस, समझे। और तीसरा है स्पर्मिएशन। ये तीनों नामों में ना एग्जाम में ना एग्जामिनर तुम्हारी बजा देता है। स्पर्मेटोजेनेसिस तो क्या है, पूरा प्रोसेस है स्पर्म बनने का। बेटा एक्चुअली में स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, टिडजोआ बोल रहे ना हम, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटिड से जो स्पर्मेटोजोआ में जो टेल डेवलप हुई, जो कैप डेवलप हुई, उस प्रोसेस में भी तो कुछ बना है, इसलिए हमने उसको भी नाम दे दिया जेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस वो है प्रोसेस है जिसमें स्पर्मेटिड से एक्चुअल स्पर्म बना। अब यार एग्जाम में कंफ्यूज हो गए तो हम, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, बहुत आसान है, सुनो। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस किस में ज्यादा मुंह फाड़ रहे हो तुम, सोचो। स्पर्मेटोजेनेसिस में ना, है ना। सो पूरा प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस। टिडजोआ का छोटा सा प्रोसेस, पूंछ और कैप बनाने वाला मियोजेनेसिस, क्लियर। अब जैसे ही देखो स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटिड से ये उल्टा चल रहे हैं, रुको, गोनिया साइड साइड टिडजोआ। अब बेटा जैसे नए नए स्पर्म बनते हैं ना, उन्हें भूख लगती है, छोटे छोटे बच्चे हैं हम, इन्हें भूख लग रही है, ये कह रहे हैं यार खाना दो मर जाएंगे हम। तो सर्टोली सेल कहती है रुक जाओ बेटा, तुम मरो मत, तुम मेरे अंदर आ जाओ। जैसे ये सर्टोली सेल है ना, ये सर्टोली सेल, तो स्पर्म सारे के सारे ना अपना हेड इसमें जाके घुसा लेते हैं। जैसे ये मेरा स्पर्म का हेड है, ये सर्टोली सेल में जाके यूँ घुस जाएगा लाइक दिस, है ना। और जैसे ही घुस जाएगा स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिशन मिलने लगेगा सर्टोली सेल से, यानी कि सर्टोली सेल अब खाना प्रोवाइड करेगी। अब यार खाना खा रहे हैं क्या, खाते ही रहेंगे, इसलिए बनाया स्पर्म ने, तुमने इस दिन के लिए इतनी मेहनत की है क्या नहीं। तो बॉडी कह रही है यार बस यार भाई अब तेरे को जाना है, तुझे कुछ कमाल दिखाना है, तो निकल, अपना मुंह निकाल और यहाँ से दफाओ। तो कभी ना कभी तो इसको अपना मुंह इन सर्टोली सेल से निकालना पड़ेगा, और निकाल के बेटा सेमिनिफेरस ट्यूबुल से बाहर होते होते मेल की बॉडी से बाहर जाना पड़ेगा, उस लास्ट स्टेप को जिसमें तुम फाइनली इनको सेमिनिफेरस ट्यूबुल से बाहर निकाल देते हो, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन।
छोटा सा नाम है पर बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि भाई तू खाता ही रहेगा कि बाहर जाके कमाल भी दिखाएगा, निकल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से. सो व्हेन दे आर फाइनली रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसी को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन. आई होप तुम्हें ये डायग्राम, देखो बच्चों, गोनिया साइड साइड टिडजोआ याद कर लो मेरे साथ, एग्जाम में लेबलिंग के लिए आ सकता है ये भी और ऊपर वाला डायग्राम भी. तो इसके साथ स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट और अब हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. चलो, सो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में एनसीईआरटी ने ये डायग्राम दे रखा है. देखो यार, एनसीईआरटी का तो सारा डायग्राम इंपॉर्टेंट है पर तुम खुद से बनाओगे तो ज़्यादा मजा आएगा, है ना. चलो स्टार्ट करते हैं. पहले अपन नीचे बनाते हैं फिर ये पढ़ते हैं. देखो, तो पहली चीज, अपन स्पर्म को फोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल. ठीक है, ये चार पार्ट्स हैं. अब ये चारों पार्ट्स अपन बनाते हुए चलते हैं. देखो, सबसे पहला पार्ट अपन क्या बोल रहे हैं, हेड पार्ट. यहीं के यहीं बनाएंगे और यहीं के यहीं पढ़ेंगे. तो ये लो जी बेटा, सबसे पहले मैंने बना दिया हेड पार्ट. मार्क कर दें हेड पार्ट को. ठीक, अब जो हेड पार्ट है ना, उसके भी टॉप पे एक टोपी जैसा स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस. ये रहा आपका हेड पार्ट और ये रहा इसके जस्ट आगे आगे, लाइक दिस. इसको पूरे पार्ट को ऐसे मैं इससे कलर कर रही हूँ, ये वाले पार्ट को. ये वाला पार्ट तुम्हें ऐसा लग रहा है ना जैसे हेड पार्ट ने किसी टोपी जैसे स्ट्रक्चर को पहन रखा है, यानी इन शॉर्ट टोपी पहन रखी है. तो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना बच्चों, इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम एक नाम देते हैं. क्या बोलते हैं इसको अपन? एक्रोसोम. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोसोम. नाउ इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो एक्रोसोम है ना, इसको बनाने वाला बंदा कौन था? गॉल्गी बॉडी. यानी कि ये जो आपकी, देखो यार, अल्टीमेटली स्पर्म क्या है? एक सेल ही है ना. तो इस सेल का जो हेड पार्ट है एक्रोसोम, ये आपका किसने बनाया है? गॉल्गी बॉडी ने. ठीक है, इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है, मतलब कुछ तो होगा ना. तो बेटा, इसमें भर भर के एंजाइम भरे होते हैं. ठीक है, तो इट इज़ फिल्ड विद एंजाइम जिनको हम बोल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, या प्यार से ना इसको कुछ लोग स्पर्म लाइजीन्स भी बोल देते हैं. स्पर्म लाइजीन. क्या क्या बोला मैंने? हेड के ऊपर टोपी जैसा स्ट्रक्चर, एक्रोसोम. क्वेश्चन है, एक एक बनाता कौन है? गॉल्गी बॉडी. भरा क्या होता है? एंजाइम. कौन सा एंजाइम? स्पर्म लाइजीन, जिसको आप प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी बोल सकते हो. करता क्या है? देखो, ये जो ओवा है ना, ओवा के आसपास तो बहुत सारे स्पर्म चल जाते हैं, पर बेटा कोई एक स्पर्म ही तो अंदर जाएगा ना. तो जो फटाक से ऐसे, मैंने करो, बम की तरह होते हैं, पता, सीरियसली बम की तरह होते हैं. जैसे ये है, ये एग की जो है वॉल है, तो जैसे स्पर्म जो पहले टकराएगा ना, दम ऐसे बम की तरह फट जाएगा. तो ये जो है ना, ओवा से टकरा के उसके अंदर पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट आओ. अब हेड में जो बचा हुआ पार्ट है, इसके अंदर एक मस्त सा क्या होता है? न्यूक्लियस. बेटा, इस न्यूक्लियस में सारा पैटर्नल जीन है, बोले तो पापा का सारा जेनेटिक सिस्टम इसी के अंदर भेजते हैं, और जीन होते हैं इसमें. और कितने होते हैं? 23 होते हैं. और बेटा, जहाँ जहाँ न्यूक्लियस, वहाँ वहाँ उसका चहिता साइटोप्लाज्म तो होगा ही सही. तो आई होप तुम्हें हेड पार्ट क्लियर है. ठीक, अब हेड से तुम नीचे चले, बहुत छोटा सा पार्ट है, ध्यान से देखो भाई, वो बड़ा सा पार्ट नहीं है. जो हेड पार्ट है ना, उससे बहुत जरा सा ही पार्ट, ये इतना सा पार्ट जो है ना, इसी को तुम बोल देते हो नेक. यानी कि नेक कोई बहुत ज़्यादा लंबा पोर्शन नहीं है, है ना. इस नेक में दो सेंट्रियोल पड़े होते हैं, समझ रहे हो? दो सेंट्रियोल, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ. तो ये देखो, ये आगे की तरफ, ये वाला एक सेंट्रियोल पड़ा है. जो बेटा आगे होता है उसको तुम क्या बोलते हो? प्रॉक्सिमल. जो पीछे की तरफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टल. तो ये आगे की तरफ जो पड़ा हुआ है, इसको आप बोलोगे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल. अब ये क्या करता है, सुनो, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल को अभी सिर्फ तुम इतना याद रखो, आगे आने वाले टाइम पे जब तुम ओवा को फर्टिलाइज करोगे, मैं तुम्हें सिर्फ आधी बात बता रही हूँ, पूरी बात मैं बताऊंगी. जब तुम ओवा को फर्टिलाइज करोगे ना, उस टाइम पे ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का एक बहुत ज़रूरी काम है, जो अभी तुम्हें समझना नहीं है यार. अगर मैं अभी समझाने लग जाऊँगा ना, बहुत टाइम लग जाएगा. तो अभी तुम समझ लो, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल काम आएगा जब ये स्पर्म अपने अखाड़े पे पहुंच जाएगा और ओवम से फ्यूजन भी हो चुका है इस भाई का, तब. समझ लो, तो इसका काम अभी अपन ने क्या डाल दिया? होल्ड पे.
ठीक है, पीछे की तरफ का जो बंदा है डिस्टल सेंट्रियोल, वो सेंट्रियोल ना रहकर एक लंबा सा फिलामेंट बना देता है। तो बच्चों कुछ इस तरीके से ऐसे लंबा सा फिलामेंट निकल जाता है उसमें से, लाइक दिस, देख रहे हो तुम ऐसे, ठीक है। ये जो है ना, इसको हम बोल देते हैं एक्जियल फिलामेंट, ठीक है। अब तुम कौन से पार्ट में एंटर कर चुके हो आपने, नेक्स्ट मिडिल पीस में। तो यार ये जो नेक्स्ट पोर्शन, क्योंकि नेक तो बहुत छोटा है ना, तो ये लो अपन नेक्स्ट पीस को बना लेते हैं। ये लो, ये चल रहा है आपका नेक्स्ट वाला एरिया, इसी को अपन क्या बोलेंगे, मिडिल पीस। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पोर्शन। अब बेटा मिडिल पीस में ये बीच में तो एक्जियल फिलामेंट रन कर रही है, इसके साइड में ऐसे पड़े होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक दिस, देखो ऐसे यूं साइड में, लाइक दिस लाइक दिस, देखो देखो देखो, और एक पैटर्न सा ऐसा यूं मस्त सा पैटर्न दिखता है अपन को, यूं लाइक दिस, दिख रहा है तुम्हें, इतना शानदार अरेंज हो रखे हैं यार, मतलब ऐसा लगता है कोई डिज़ाइन बना रहे हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं तुम्हारे, मतलब तुम्हें पता है यहाँ पे इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया, इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, तो कुछ तो ज़रूरी काम होगा यार। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कोई ऐसा वैसा काम नहीं, देखो यार स्पर्म है, भाग रहा है बेचारा, रेस, जिंदगी की रेस इसी ने जीतनी है, जहाँ जीत है वहाँ एनर्जी होनी चाहिए, जहाँ एनर्जी बनानी है वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए। तो बेटा ये क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, क्यों करता है, ताकि स्पर्म भागता रहे, मस्त जीत के आए, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया से चले जा रहे चले जा रहे, मिडिल पीस फाइनली जो है आपकी टर्मिनेट करेगी टेल पोर्शन में। तो लाइक दिस, ऐसी मस्त लंबी सी यूं टेल है, ये लो, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो अपन ने बनाया, दिस इज योर लास्ट पार्ट विच इज कॉल्ड एज टेल। अभी जो एक्जियल फिलामेंट है ना, ऐसा नहीं अभी यहाँ खत्म हो गई, एक्जियल फिलामेंट चल रहा है, ये देखो यूं ऐसे चल रहा है, लाइक दिस, चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है, अरे अरे बड़ा गंदा बना दिया मैंने, चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है, और ये ऐसे बाहर निकलता हुआ हल्का सा हिस्सा दिख रहा है। इस बाहर निकलते हुए हिस्से को अपन बोल देते हैं एंड पीस, दिस इज कॉल्ड एज एंड पीस। और ये पूरा पीछे का टेल है वही है जिसके कारण आपका स्पर्म मूव कर रहा है। तो टेल के कारण क्या होता है, टेल प्रोवाइड्स मोटिलिटी, और भाई जो जितना मोटाइल होगा, जंग तो वही जीतेगा, जीत तो उसी की होनी है, समझे तुम, आ जाओ पूरा खत्म स्पर्म। देखो भाई स्पर्म, मैं एनसीईआरटी के डायग्राम से समझा देती हूँ, आ जाओ। सबसे पहला पार्ट आपको दिख रहा है हेड पार्ट, हेड पार्ट में तुम्हें आगे दिख रही है टोपी जैसा स्ट्रक्चर, एक्रोसोम। एक्रोसोम में क्या बने, प्रोटीओलाइटिक एंजाइम, बोले तो स्पर्म लाइसिन, क्यों, क्योंकि स्पर्म जैसे एग से टकराएगा फट करके बम की तरह फट जाएगा, है ना। पूरा जो स्पर्म है वो एक सेल है, तो ऑब्वियसली बात है वो किससे कवर होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इसके अंदर देखो बेटा न्यूक्लियस होता है, और ये पूरा पूरा पार्ट क्या है, साइटोप्लाज्म। दूसरा तुम्हें दिखा रखा है नेक। अब एनसीईआरटी ने सेंट्रियोल के बारे में नहीं बताया नेक में, पर तुम याद रखो कि आगे वाला पार्ट यहाँ नहीं बताया, पर वो बात करेगी सडनली, और अगर वो बात करेगी और तुम्हें नहीं पता तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। तो तुम याद रखो आगे नेक में क्या होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जो कि अभी पिक्चर समझनी है हमें, और पीछे वाला डिस्टल सेंट्रियोल क्या बना लेता है, ये एक्जियल फिलामेंट। दिख रही है बच्चों, देखो ये पूरी की पूरी फिलामेंट दिख रही है, एक्जियल फिलामेंट। पूरा नेक्स्ट पोर्शन मिडिल पीस, क्या है इसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया, क्यों है, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। दिख रहा है ये पूरा एक्जियल फिलामेंट चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है, एंड ये आ गई आपकी टेल। टेल का ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है, एंड पीस, ठीक है। अच्छा एक ये छोटा सा पार्ट है, इस छोटे से पार्ट, ये भी एक टाइप का सेंट्रियोल है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेंट्रियोल, जिसको हम एन्यूलस बोलते हैं। बट बेटा आज तक हमें इसका फंक्शन नहीं पता, अननोन फंक्शन, हमें इसका फंक्शन नहीं पता, समझ गए। चलो इसके साथ स्पर्म का स्ट्रक्चर भी खत्म, बस ये पढ़ लेना, ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस अब मैं एक लाइन पढ़ाऊंगी जो मैंने तुम्हें पिछली बार पढ़ाई थी। ह्यूमन मेल इजैक्युलेट एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म, जिसमें से 60% कैसे होने चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज के, ऐसे भेंडू नहीं चलेंगे, और 40% कैसे होने चाहिए, मस्त धुआंधार मूव करने वाले, ठीक है। लास्ट लाइन अपन पढ़ेंगे, स्पर्म रिलीज होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, सारी एसेसरी डक्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, और एपिडिडिमिस की सीक्रीशन, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड आर एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। ये लाइन मैंने तुम्हें क्यों पढ़ाई, सुनो, सीक्रीशन ऑफ एपिडिडिमिस, वास डिफरेंस,
तुम्हारे दिमाग में आएगा कौन सी सीक्रीशन भाई, नहीं याद करनी तुम्हें, कोई सीक्रीशन याद नहीं करनी, पर तुम ये लाइन याद रखो क्योंकि नीट में तो आ सकती है ना, तो आप याद रखो कि थोड़ा थोड़ा पार्ट, यार ऑब्वियसली बात है अगर एपिडिडिमिस में मैच्योरेशन हो रहा है ना, तो कुछ ना कुछ सीक्रीशन भी हो रहा होगा, और वास डिफरेंस में भी थोड़ा सा कुछ सीक्रीशन होता है, और ये तीनों तो सीक्रीशन कर ही रहे, ये ज़रूरी है ताकि प्रॉपर मैच्योरेशन हो और स्पर्म की मोटिलिटी हो। क्लियर? आगे आ जाओ। सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म सेमेन कहलाते हैं, और मेल सेक्स एसेसरी डक्ट और ग्लैंड बड़े ज़रूरी हैं, और इनको मेंटेन कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन बोले तो एंड्रोजन। ख़त्म ख़त्म, पिक्चर ख़त्म। तो मेल की पिक्चर टोटल ख़त्म, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फीमेल के पिक्चर, तो आई होप तुम्हें लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, एज वेल एज सब्सक्राइब करो इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।